टिहरी गढ़वाल जनपद के गंसाली विधानसभा के पट्टी नेलचामी के पुंडोली गांव निवासी प्रवीण सिंह गोसाई गुरुवार को जम्मू कश्मीर में शोपिया में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। शहादत के कारणों का भी पुख्ता पता नहीं चल पाया है, जबकि बताया जा रहा है कि ईडी ब्लास्ट होने से जवान प्रवीण सिंह गोसाई घायल होकर अस्पताल में उपचार के दौरान वीरगति को प्राप्त हो गए। वहीं प्रवीण सिंह के गाँव पुंडोली सहित गंसाली विधानसभा में गम का माहौल है, पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है। शहीद प्रवीण सिंह गोसाई का पार्थिव शरीर आज देर शाम जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच गया था, जहां क्षेत्रीय विधायक शक्तिलाल शाह ने जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच पर प्रवीण सिंह की पार्थिव पर पुष्प चक्र अर्पित किए। जैसे ही पार्थिव पैतृक गांव पहुंचा, हर कोई भारत माता के जयकारे लगा रहा था। मां भारती के वीर सपूत के श्री चरणों में हम बारम्बार नमन करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के रहने वाले प्रवीण सिंह गोसाई जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर में तैनात थे, वहीं वे वीरगति को प्राप्त हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि वे शोपिया में एक ईडी ब्लास्ट में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इनके साथ ही दो अन्य जवान अभी घायल है, जो सेना के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से हजारों लोगों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी है। मां भारती के इस लाल के श्री चरणों में हम अपर समाचार परिवार की ओर से सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वहीं इनके इस अदम्य साहस को नमन भी करते हैं। पार्थिव तिरंगा में लिपटा देख माँ भी रो पड़ी और पूरा परिवार में कोहराम मच गया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल से आज बहुत दुखद समाचार सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया क्षेत्र में दुश्मनों से लोहा लेते हुए मां भारती की सेवा करते हुए टिहरी जिले के गंचाली विधानसभा के पट्टी नैलचामी के पंडोली निवासी भारतीय सेना के वीर जवान प्रवीण सिंह गोसाई शहीद हो गए थे। जवान के शहीद होने की सूचना मिलते ही परिवार में शहादत कोहराम मच गया एवं क्षेत्र में शोक की लहर छा गई। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी शहादत की सूचना पर दुख व्यक्त किया है। वहीं आज इनका पार्थिव शरीर इनके पैतृक गांव पहुंचा। वहीं पार्थिव को सेना के विशेष वाहन से लाया गया और जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर पार्थिव पहुंचते ही शासन प्रशासन के लोगों ने पुष्प चक्र अर्पित किए। जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचा शहीद प्रवीण सिंह का पार्थिव शरीर